320 से 330 की रेंज में ये आइटम आपको मिलने वाली है। चार जोड़ियां मंगवाएं, चार जोड़ी के छोटा कार्टून मंगवाएं। सिर्फ जूते पे ब्रांडिंग नहीं, जूते के अंदर बाहर डिब्बे पे शू बैग में कार्टून सारी जगह ब्रांडिंग। हर एक एक डिजाइन में अपने पास चार चार पांच पांच छह छह कलर। इतनी देर आप भूलोगे ना, मैं उतनी देर इसको मोड़ के रख सकता हूँ। काफी बढ़िया वैरायटी होने वाली है। बैक टू शेप कार्टून में बकायदा ब्रांडिंग है, एड्रेस है, फोन नंबर है, जीएसटी नंबर है, स्टेट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर सब है। तो आप सब भाई होप सब फिट एंड फाइन होने वाला है। सो आज आपका भाई फिर से आ गया बैक से शूज। तो आज की वैरायटी अलग होने वाली, यूनिक होने वाली, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने वाली। पहले मिलाते हैं गुरु भाई से। नाम तो याद हो ही गया है। क्या लगे आपको? बहुत बढ़िया। आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। आज की वीडियो में मतलब क्या वैरायटी दिखाने वाले? आज की वीडियो पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे थोड़ा सा सर स्पोर्ट्स रेंज पे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हर कोई अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस है, जेंट्स लेडीज हर तरीके से। तो हम लोग ज्यादातर कवरअप करेंगे थोड़ा सा स्पोर्ट्स रेंज। वैसे अपने पास तो हर रेंज अवेलेबल है, बट स्पोर्ट्स पे थोड़ा सी ध्यान डालते हुए अगर स्टार्टिंग की अगर रेंज की बात करते हैं तो मिनिमम लगभग आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो जूते हैं वो 200-225 रुपए से चालू हो जाते हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स रेंज की आप बात करते हैं तो 280-270 से अपनी रेंज चालू हो जाती है। हो जाती है हाँ जी, जेंट्स में। लेडीज में थोड़ी महंगी जाती है, 350-300 तक, क्योंकि लेडीज में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारे पास सॉक्स इसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए सर, मैंने आपके सामने जूता मोड़ा है, ठीक है? आप जितनी देर तक बोलेंगे मैं इसको मोड़े रखूंगा। कौन सी सोल होने वाली? मतलब ईवा वैरायटी मतलब काफी बढ़िया होने वाली। बहुत बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन, जितनी बेहतरीन हो सकती है। लमसम किसी कस्टमर को मान लेना हो कितना? सर देखो, कोशिश ये रहती है आपके सामने, जैसे आप देखोगे कार्टन पैक पड़े हैं, ये ना 48 जोड़ी कार्टन होते हैं, 48 जोड़ी का। हाँ जी, इसमें नॉर्मल ये वाले जो डब्बे आते हैं ये 40 डब्बे आ जाते हैं, मेरा हाथ है 40 पीसेस आ जाते हैं, 40 पेयर्स आ जाते हैं। अब कोशिश तो सर ये रहती है कि अगर कस्टमर ले रहा है, देखो अगर बात करें लॉजिस्टिक्स की तो हिंदुस्तान में आप कोई भी 90% जो भी लॉजिस्टिक्स कंपनी है, काफ़ी सारी हैं, जयपुर गोल्डन हो गई, BRL हो गई, काफ़ी सारी हैं, तो उनसे अगर आप चाहे चार जोड़ी का कार्टून का भाड़ा दें या 40 का भाड़ा दें, भाड़ा उतना ही लगता है। सेम लग रहा है हाँ। तो बस थोड़ा सा कस्टमर को ये समझाना पड़ता है। तो हमारा तो यही टारगेट रहता है कि 48 का एक कार्टून बनवा लें, क्योंकि भाड़ा आपने तब भी उतना ही देना है, तब भी उतना ही देना है। बाकी हाँ, अगर जस्ट टू स्टार्ट विद, अगर किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो वैरायटी देखनी है, किसी को क्वालिटी देखनी है, क्या क्वालिटी होने वाली है, तो आप ये भी कर सकते हैं, चार जोड़ी का कार्टून बनवा लो, नहीं तो आप 40 जोड़ी के कार्टून बनवाओ, आप 40 अलग दूसरे रखवा लो। इससे क्या कि आपकी मार्केटिंग भी पूरी हो जाएगी, एक बार आप क्वालिटी भी देख लोगे, खुद के लिए भी वैरेंट है के लिए आप मंगा सकते हो एक जोड़ी उसमें, ताकि आप क्वालिटी को अच्छे तरीके से समझ पाए। मतलब जो साइज चाहिए होगा वो साइज भी मिल जाएगा बिल्कुल सर, एज इट इज। आर्टिकल नंबर 701 ब्लैक, साइज 9, तो आर्टिकल नंबर 701 वही जाएगा, साइज 9 है। ये नहीं कि आपने मंगाया अपने और भेज कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको चार जोड़ी भी चाहिए वो भी यहाँ से अवेलेबल जाएगी, बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएंगी। वैरायटी आप बोलेंगे अलग ही होने वाली है आज की, बिल्कुल। कुछ दिखाने भी वाले हैं आज की वीडियो में, मतलब कैसे वर्क होता है, मैं सारी आपको वर्किंग दिखाता हूँ बकायदा। आप देख सकते हैं वहाँ से चालू करते हैं, ये हमारा पैकिंग एरिया है जो लड़का पैक कर रहा है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की पन्नी में वो पैक कर रहा है, ठीक है? अभी फ्लिपकार्ट की पैकेजिंग चल रही है, अभी मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा हमारा जैसे जैसे माल पैक होता जाता है, क्योंकि हम लोगों का नॉर्मली B2C का दिन का एवरेज रहता है 1200 से 1300 जोड़ी का। हाँ जी, जिसमें B2C में हम लोग कवरअप करते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिफ्टी, बहुत सारी, लगभग तकरीबन, हाँ जी, लगभग तकरीबन आप ये कह सकते हैं 15-1 डिफरेंट पोर्टल्स। उसके अलावा अगर मैं आपको B2B दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं पीछे आपके कार्टन्स पड़े हैं, ठीक है? वहाँ पे अभी वहाँ पे और जहाँ पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पे B2B की पैकिंग चालू करेगा लड़का। B2B में हम लोग कवर अप करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा शू कनेक्ट एक साइट थी जिसका नाम आज की तारीख में हो गया बिजनेस, उड़ान और रिलायंस का अजियो। मिंत्रा से हम बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, बातचीत चल रही है, आप ये कह सकते हैं विद इन अ मंथ हम लोग उनसे जुड़ जाएंगे। उसके अलावा जितने भी आप B2C B2B पोर्टल्स को जानते हैं लगभग सभी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि अगर ब्रांडिंग की बात करते हैं, हर कोई आजकल ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होता है, तो जैसे प्रॉपर ब्रांड से होने वाला है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं डब्बे पे अपनी ब्रांड है, ठीक है? डब्बे के अंदर शू बैग पे अपनी ब्रांड है, ठीक है? पोलो बैग पे खुद का ब्रांड होना, एग्जैक्टली। डब्बे के अंदर जूते पे अपनी ब्रांडिंग है, कुछ कुछ जूतों में तो ऊपर भी अपनी ब्रांडिंग है, आप देख सकते हैं ये आर्टिकल देखिए। इसके अलावा हाँ, इसमें आप ये देखिए रिविट तक हमारी है, तो काफी सारी ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। ये देखो इसमें काफी जगह आपको बैक्सी का ब्रांड देखने को मिलेगा भाई, प्रॉपर अंदर बाहर, तो काफी शूज में सोल पे भी मिल जाएगा। एग्जैक्टली, हमारी खुद की सोल्स की डाइज भी है, TU सोल में, TPR सोल में, हमारी खुद की तकरीबन आज की डेट में 15 से 17 डाई है। सोल की डाई अगर आपकी है किंग, क्योंकि जूते में जो मेन चीज होती है वो होता है सोल,
तो सोल बोल्ड अगर मतलब सोल की आपकी खुद की 15-17 नहीं है तो इट्स अ बिग थिंग। तो वैरायटी आज की काफी बढ़िया होने वाली है। सो गाइस जिसने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर की बेल आइकन से प्रेस कर लेना, और जिसने भी अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया यूजर ने हमारा को बाकी जाके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। अभी चलते हैं वीडियो में बात करें। स्टार्टिंग में क्या दिखाने वाले आज भैया? मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप लोग फोकस करते हैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स रेंज में। आजकल हर कोई फिजिकली फिट रहना चाहता है, जेंट्स लेडीज हर एक में। स्टार्ट टू स्टार्ट विद हम लोग करते हैं लेडीज रेंज, लेडीज स्पोर्ट्स। लेडीज में भी अपने पास काफी सारी वैरायटी है सर, काफी वैरायटी है। अंदर आप ब्रांडिंग देख सकते हैं, अंदर बकायदा ब्रांडिंग हुई हुई आपको मिलेगी, साइजेस लिखे होंगे, एमआरपी लिखी होगी। कलर डिजाइन सर नेक्स्ट लेवल है, जैसे आप बोल रहे हैं एक एक डिजाइन में अपने पास 4-4, 5-5, 6-6 कलर है। मिल इसके अलावा हाँ ऑलरेडी है हम पे। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल कलर आप कहते हैं तो हम लोग स्पेशल कलर डेवलप कर देंगे अगर मार्केट कस्टमर की डिमांड पे। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली उसकी ब्रांडिंग, उसका कोई स्पेशल कलर है तो हम बिल्कुल करके देंगे, कोई ऐसी समस्या। इसके बाद भैया, इसके बाद इसकी मैं एक बार आपको फ्लेक्सिबिलिटी और दिखा दूं। फ्लेक्सिबिलिटी ये देखो, दोनों जूते आपके सामने, ठीक है, एक एक करके मैं दिखाता हूँ, दोनों एक बार में हो नहीं पाएंगे। ये देखो भाई, जितनी देर आप बोलोगे ना मैं उतनी देर इसको मोड़ के रख सकता हूँ। काफी बढ़िया वैरायटी होने वाली है, बैक टू शेप है ना। प्राइस की अगर बात करें सर, प्राइस लगभग इसका वही आएगा 320-330 के लगभग, अराउंड जो भी मैं आपको प्राइसेस बता रहा हूँ ना, इसमें आप 15-20 रुपए प्लस माइनस लेके चलना, माइनस भी हो सकते हैं प्लस भी हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा रेंज दिखाता हूँ सर, फोकस करते हैं ब्रांडिंग पे। ये जेंट्स शूज है हमारा, 693 इसका आर्टिकल नंबर है, ठीक है। आप ब्रांडिंग देखिए कहाँ का, अंदर तो दुनिया करती है ब्रांडिंग, अपन लोगों ने बाहर भी अपना वुवन लेबल लगवा रखा है, प्रॉपर लोगो, ठीक है, स्टिच करवा रखा है, बताएगा लोग बात सिर्फ चिपकाते हैं, अपन लोगों ने स्टिच करवा रखा है, उखड़ने को सिलाई टेस्टिंग के बाद सिलाई, अपना लोगो फ्रंट पे डबल एक्स वाला। प्राइस की अगर बात करें इसकी, काफी यूनिक आइटम होने वाला है, 320 से 330 की रेंज में ये आइटम आपको मिलने वाली है। अपने यहाँ से तो काफी जगह माल जाता होगा सर। पैन इंडिया हम लोग कर रहे हैं पिछले 7-1 साल से, ऑनलाइन अपन लोग कर रहे हैं पिछले 7-1 साल से, B2B B2C पिछले 38+ सालों का हम लोगों का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी है बाकी काफी। हाँ जी। इसके बाद भैया, इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ जेंट्स में, लेडीज में मैंने अभी आपको सॉक्स शूज दिखाए थे, अब मैं आपको नॉर्मल शूज दिखाता हूँ लेडीज में। हाँ जी, ये लेडीज का है, ठीक है, लेडीज स्पोर्ट्स शू है, उसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती है, दुनिया दे रही है। अब मैं आपको इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, आपके सामने मैंने जोड़ी मोड़ के रखी हुई है, बैक टू शेप मैंने कुछ करा है, क्वालिटी है मतलब चीज, पैसा लगाया तो सर पता चलता है क्वालिटी। और बाकी अगर किसी ने कस्टमाइजेशन में प्लस माइनस करवाना होगा तो वो भी हम कर देंगे, प्लस में तो खैर कोई दिक्कत नहीं आती, माइनस में हम कस्टमर से पूछवा के पहले उससे लिखवा लेते हैं कि अगर कल को माल में दिक्कत आई तो उन्होंने ही हमें बोला था कि हमारी रेंज थोड़ी कम है। तो उस हिसाब से हमने उनका माल लगाया, उन्हें बता के। इसके बाद भैया, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अब जैसे कि हाँ आजकल हर कोई ब्रांड कॉन्शियस है, अंदर जैसे मैंने बताया हर कोई करवाता है अपनी ब्रांडिंग, आप ये देखो। तो यहाँ पर अगर कस्टमर मांगे उसके ब्रांड में भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सर, बट इकट्ठी कम से कम 8-12,000 पीसेस खुलते हैं। अच्छा, हम लोगों ने इनिशियली अपने 8,000 पीसेस खुलवाए हैं। हाँ, तो हमारे तो बहुत जल्दी यूज हो जाते हैं, कस्टमर के कितने जल्दी यूज होंगे ये कस्टमर पे डिपेंड करता है, करवाने में कोई दिक्कत नहीं है अंटिल एंड, नहीं तो उसके अलावा ये हो सकता है कि यहाँ पे बैक्से की जगह कंफर्ट लिखा आ जाता है। अच्छा, हाँ, और अगर आपको अपनी ब्रांड में करवाना है करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए भी, कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप ये जूता देख रहे हैं, ये हमारा स्पोर्ट्स का है, ज्यादा पुराना नहीं है बट हमारा हॉट सेलिंग में से आता है ये। प्राइस लगभग सर वही मानो 290-280 लगभग, आपके सामने मैंने मोड़ के रखे हुए इतनी देर से, बैक टू शेप। तो काफी बढ़िया, ये भी प्रीमियम क्वालिटी में आपको मिलने वाला है, यहाँ से ईवा का सोल है। इसके अलावा अब हम लोग वैरायटी तो काफी सारी मिल जाएंगी इनके पास, ये देखो तो टेबल पे तो सिर्फ एक क्या कहते हैं बॉयज की सॉक्स में है, ये बॉयज की सॉक्स है, सॉक्स शू। ये देखो भाई, इसकी भी क्वालिटी दिखा दो भैया, सोल की आप जितनी देर बोलोगे, आप बोलोगे घंटे भर, तो आप घंटे भर तक ऐसे ही मोड़ के रखो, मगर हाथ दर्द हो जाएगा, जोड़ी कहीं इधर से उधर, जोड़ी कहीं नहीं जाने वाली, बैक टू शेप। काफी बढ़िया कंफर्ट शूज होने वाले हैं, भी कंफर्टेबल क्वालिटी वाइज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। प्लस कुशनिंग, आदमी को दिक्कत रहती है कि बाहर से और दिखने में तो जूता बहुत अच्छा, क्या उसमें कुशनिंग है? आप खुद एक बार उंगली घुसा के एक बार इसकी कुशनिंग चेक करो, कंफर्ट है एकदम। तो मतलब उस हिसाब से बनाते हैं, ये तो जस्ट डेमो है, बाकी क्वालिटी की अगर बात करें काफी सारा स्टॉक इनके पास मिल जाएगा, 50,000 प्लस वैरायटी अपने पास होगी अभी इसको। आराम से सर, आराम से। अपने यहाँ किस टाइप में काम होता है ये भी दिखा दो भैया, वर्क। आप शादी में अगर देखेंगे, अब तो पैकिंग खत्म हो गई, वहाँ पे फ्लिपकार्ट के कुछ डब्बे पड़े हैं, आप आएंगे तो मैं दिखाऊंगा।
तो पैकिंग देखोगे, अगर पैकिंग की बात करोगे तो देखो इस टाइप में, ये देखो ये फ्लिपकार्ट की पैकिंग, ये प्रॉपर पैकिंग होने वाली है। ये कुछ आप देख रहे हैं अमेज़न की इनवॉइसेस रह गई हैं, अभी फैक्ट्री से माल आना रह रहा है, जैसे ही फैक्ट्री से माल आएगा ये देखो, बाकी फ्लिपकार्ट अमेज़न दोनों में। अब आप आओ मैं आपको रिलायंस की, हम लोग अजियो के संग काम करते हैं ठीक है, बी टू बी में, बी टू सी में, दोनों में। आप ये देख सकते हो ये उनके कार्टून पैक हो रहे हैं, मैं आपको एक आध इनवॉइस, डबल कार्टून में पैकिंग हो रही है इनकी। ये आप देखो ये रिलायंस की इनवॉइस है, ये देख लो प्रॉपर, मतलब पैकिंग के साथ कोई दिक्कत नहीं। कार्टन में आप ब्रांडिंग देखें, कार्टन में बकायदा ब्रांडिंग है, एड्रेस है, फोन नंबर है, जीएससीएन नंबर है, स्टेट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ, ताकि अगर कस्टमर को कहीं से भी हमें रीच करना हो, हमें कहीं से भी रीच कर सकता है। इसके प्रॉपर प्रॉपर सर, प्रॉपर आपके सामने। और अगर आप हाथ देखेंगे तो आपको अधिकतर डब्बे, ये देखो भाई काफी सारे यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा, ये देखो स्टॉक काफी सारा आपको स्टॉक यहाँ पर भी मिलने वाला है पैकिंग के साथ। ये देखो मतलब स्टॉक की कोई भरमार होने वाली है, प्रॉपर भरमार होने वाली है, अमेज़न और फ्लिपकार्ट में सारी जगह पर माल जाता है सर, सब जगह, जितने पोर्टल्स को आप जानते हो अधिकतर हर पोर्टल पे अपन लोग कर रहे हैं, बाकी कंप्यूटर पे अपना काम चलता ही रहता है ऑनलाइन का। आपको दिखा देता हूं, जैसे कि सर है, सर हैंडलिंग करते हैं सारी बी टू सी की, सारी बी टू सी सॉरी सर हैंडलिंग करते हैं सारी बी टू बी पोर्टल्स की। उसके पीछे आप मैम देख रहे हैं, उनके पीछे जो मैम है वो बी टू सी की हैंडलिंग करती हैं। उसके अलावा ये हमारा पूरा बी टू बी सेक्शन है जो सप्लाई का, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे अभी अवेलेबल नहीं है, बट पीछे हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो प्रॉपर यहाँ से ब्रांड से मिलने वाला, बिल्कुल सर बिल्कुल, सिर्फ जूते पे ब्रांडिंग नहीं, जूते के अंदर बाहर डिब्बे पे, शू बैग में, कार्टन में, सारी जगह ब्रांडिंग, हर जगह सर। कस्टमर को चाहिए वहाँ पर उस कस्टमर की ब्रांडिंग, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल करनी पड़ेगी हर जगह पे, कस्टमर को उसकी भी ब्रांड दे सकते हैं, मिल जाएगी, दिक्कत नहीं है, क्वांटिटीज फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। किसी को चार जोड़ी मंगाना वो भी घर बैठे मंगा सकता है। के लिए मंगाओ सर, मैं खुद ही कहूंगा कि आप 40 जोड़ी, अगर थोड़ी हिचक होती है नए कस्टमर्स को रहती है, कोई उसमें बड़ी बात फ्रॉड ना हो, फ्रॉड ना हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर उसके लिए मैं आपसे ये कहूंगा कि आप अगर एक कार्टून का ऑर्डर लगाने वाले थे, आप चार जोड़ियां मंगवाएं, चार जोड़ी का छोटा कार्टून मंगवाएं, मैं जानता हूं कि मैंने उसको 120, 160, 200 पे कैसे पहुंचाना है उन कस्टमर्स को, वो मेरे ऊपर आप छोड़ दो, वो मेरे को पता है कि वो क्वालिटी से इंप्रेस हो जाएंगे। बिल्कुल सर, काफी बढ़िया क्वालिटी होने वाली है, बिल्कुल सर। बाकी एक बार एड्रेस बता दो भैया, यहाँ पर कई विजिट करना चाहिए कोई, इजी टू रीच है, 113 बुलंद कॉर्पोरेट पार्क, संजय प्लेस आगरा, 282002, आधार के जस्ट नीचे वाला फ्लोर, आधार कार्ड जहाँ पे बनते हैं उसके जस्ट नीचे वाला फ्लोर, सबसे इजी टू रीच है। और उसके अलावा अगर जैसे कस्टमर कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रीच नहीं कर पाते, तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहा है आप इस पर कॉल करें, हम पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो काफी बढ़िया फैसिलिटी आपको यहाँ से मिलने वाली है, एक बार जस्ट विजिट करके देखो, इनसे जुड़ गए।